देश के अलग अलग हिस्सों में जाके कह चुका हूँ, 52 बरस की उम्र है, मैंने आज तक इस तरह का आंदोलन नहीं देखा था। ये आंदोलन खूबसूरत है ऐसे लोगों द्वारा, और माफी के साथ ये भी कहूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस कंफ्यूजन में ना रहे कि उसने इस आंदोलन को जन्म दिया है। ये आंदोलन हिंदुस्तान के उन मां बहनों ने इस आंदोलन का जन्म दिया जो अपनी जिंदगी में मसरूफ थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि जब संसद नाकामयाब हो रही है तो हमें कुछ करना होगा। मैं संसद में उस दिन था, आमतौर पर मैं हाथ जोड़ के नहीं बोलता हूं, मैंने हाथ जोड़ के गृह मंत्री जी से कहा था इस कानून को मत लाइए। मैंने कहा था कि ये बापू का मुल्क है, इसको इजराइल मत बनाइए। फिर भी मेजॉरिटी उनकी थी, पास हो गए, हम मायूस हो गए, लेकिन हमारी मायूसी आप लोगों ने खत्म कर दी। सड़कें जाग गई हैं, संसद भी जागेगी। मैं इसी बात पर बात खत्म करता हूं। अभी शाहीन बाग को लेकर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। मैंने एक लेख लिखा, मैंने कभी मजाज को सुना था कि आंचल का परचम होना, तेरे माथे का आंचल बहुत खूब है लेकिन तुम इस आंचल से एक परचम बना लेते तो अच्छा था। आपने तो आंचल से परचम बना लिया, और आंचल से बना यह परचम हारेगा नहीं। हमें हो सकता है महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगर इस मुल्क को, यहाँ की आईन को, यहाँ के संविधान को, बापू के मुल्क को रहना है तो जीत आपकी होगी। और जिनको जहां जाना है वहां चले जाएं, उनकी सही जगह वही है, हमारी सही जगह ये है। इस मिट्टी में घास की तरह उगे थे, इसी मिट्टी में दफन होंगे, कहीं कोई नहीं जा रहा। बस एक चीज करना है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं हमें आपको प्रवोक करने की, चाह रहे हमसे कुछ गलती हो जाए। आपने तो कमाल के जज्बे का परिचय दिया, मैं खास तौर पे कहता हूं शाहीन बाग की हम सब ने सीखा है। मुझे इंट्रोड्यूस कराने में कहा कि उस्ताद, अरे मैं तो क्लासरूम में पढ़ाता हूं, आपने तो पूरी की क्रांति की धारा ही बदल दी। मेरे साथ एक बार स्लोगन लगाइए, और वो स्लोगन हम आज से लेकर के दफन होते तक लगाएंगे, जय हिंद, जय हिंद, हमारा संविधान वापस करो, हमारा संविधान वापस करो, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।